आज शौकत को क्या हो गया? सारी तस्वीरें उतार के डस्टबिन में डाल रहा है, और आज तो शौकत के बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या मामला है। आज शौकत को हो क्या गया? बहुत ही गुस्से में क्यों है? क्या हुआ, क्या बात है, कोई मसला है क्या आप लोगों को? नहीं शौकत, मसला कैसा? हाँ, मैंने दीवार से सोना की तस्वीर उतार दी है, तो भी इस बारे में तुम लोग फजूल किस्म की बातें करोगे? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शौकत। शर्म मुझे नहीं, तुम लोगों को आनी चाहिए। यहाँ पर बैठकर क्या बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? शौकत हो क्या गया है तुम्हें? अंदर चलो, पुरसुकून हो जाओ। चलो चलो भाई, चलो। क्या हुआ? मेरा सच बोलना तुम लोगों को पसंद नहीं आया क्या? भाड़ में जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, सिर्फ बातें बनानी आती है तुम लोगों को। शौकत बस बहुत हो गया, चलो अंदर। हो क्या गया तुम्हें, इस तरह क्यों पेश आ रहे हो? छोड़ो मुझे अकरम, छोड़ दो खुदा के वास्ते और चले जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम तुम्हारा भी, तुम भी जाओ, तुम सब भी चले जाओ यहाँ से। कैफे बंद हो गया है अब से, चलो अब निकलो सब यहाँ से। तुम लोग बैठे हुए यहाँ पर सिर्फ बातें करते रहते हो, सिर्फ बुराइयां करते हो दूसरों की, अब चले भी जाओ तुम लोग, चलो जाओ। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, क्यों ऐसा होता है? आज मुझे कोई और काम नहीं, तो क्यों ना हम लोग घूमने चलें? आज माहिरा और उसकी माँ का दिन है, तो बेहतर है मैं और माहिरा ही जाएं। यानी तुम मुझे ले जाना नहीं चाहती? वो मतलब बिल्कुल नहीं था मेरा। अच्छा ठीक है सोना, जैसा तुम चाहो, अहम चीज ये है कि तुम ठीक हो। ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था सोना? कोई ऐसी बात जो तुम मुझे नहीं बता रही? मैंने आज से पहले तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा सोना, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। चलो तुम बताओ मुझे, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ये मत करो निजात, मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मेरे पास नहीं आओगे, यही तय हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं सकता, मैं क्या करूं ये मेरे बस में नहीं है, माफ करना मुझे। अम्मी! अरे जल्दी अम्मी के पास आओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ, यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। जानती है, रोड पे हम भाग रहे थे और एक दूसरे को पकड़ भी रहे थे, सारकान अंकल तो भाग ही नहीं पा रहे थे। लगता है टांगों के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी बड़ी होती जा रही है। तो फिर ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो आ जाओ। अम्मी एक बात पूछूं, मुझे लगा था कि हम मिलकर नाश्ता करेंगे, सानिया आंटी और बाकी लोग सब चले गए। हाँ वो चले गए हैं, हम बाहर नाश्ता कर लेंगे, चलो। क्या तुम्हें यकीन है क्या हमें एक साथ नाश्ता नहीं करना चाहिए मेरी जान? लेकिन हम नाश्ता करने बैठे और पार्क के बाद सैनमा नहीं पहुँच सके। जी बिल्कुल, फिर मिलते हैं, बाय बाय, खुदा हाफिज माहिरा, फिर मिलते हैं बुर्जो आंटी, एंजॉय करें आप लोग, खुदा हाफिज। सोना की हालत अच्छी नहीं है, वो ठीक दिख रही है पर है नहीं। मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूं। मेरे जहन में ख्याल आया है, मैं चाहता हूं हम सब शॉप में जमा हो, उसे वहां अच्छा महसूस होगा इससे। ये बहुत अच्छा आइडिया है निजात साहब। मैं मास्टर से बात करता हूं, देखता हूं क्या कहता है। इतनी जल्दी तो सब मुमकिन नहीं, लेकिन हमारे वहां पहुंचने तक वो उस जगह को कम अज कम साफ सुथरा तो कर ही सकते हैं। मैं सोना को फिर से खुश देखना चाहता हूं, शायद इससे सोना थोड़ा खुश हो जाए। और तुम लोग भी वहां आ रहे हो, ठीक है? ठीक है, आप ये मामला निपटाएं, बाकी सब लोगों को मैं जमा करती हूँ। सानिया और रिफत को कायल करके लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना बुर्जू? ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूँ, अब रابطے में रहना। निजात साहब, आपके जाने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। वैसे तो सारकान साहब को बताना चाहिए, इसका ताल्लुक हांदे साहिबा से है। हाँ कहो। हाँ हांदे, वो दरअसल सप्लायर्स में से किसी एक को चेंज करना चाह रही है, और मुझे नहीं लगता कि उसे इस मामले में तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए। सही, उसे जो ठीक लगे वो कर सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं? इसके अलावा और कुछ नहीं है। राब्ते में रहना।
ये देखिए, ये रेड रोज और ये पिंक रोज। आ, येलो फ्लावर। अम्मी आपको येलो डेजी पसंद है ना? सही कहा ना? हाँ मेरी जान, चलो इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा। अम्मी आप यहाँ पर बैठे, मैं झूला झूलने जा रही हूँ। ठीक है, आराम से। अरे अपना बैग तो देती जाओ। हाँ मुझे प्यार भी तो करना है। ठीक है चलो जाओ। माफी चाहती हूँ बैरन साहिबा, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। नहीं उठाया ना फोन? हाँ नहीं उठाया। वो अभी जिस दौर से गुजर रही है, हो सकता है किसी अजनबी से बात ना करना चाहती हो। जानती हो मुझे क्या बात ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है? अनीसे, वो बेटी है मेरी, और तुम्हें पता है इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, और मैं हाथ में हाथ धरे बैठी हूँ यहाँ पर। शौकत तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और ना ही बच्चों को कुछ कह सकती हूँ मैं। वापस आने का कोई फायदा नहीं मेरा। मेरी जान देखो, उनके लिए अजनबी बनकर रहना तुम्हारा अपना फैसला था ना। अब बस बहुत हो गया नीसे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकती मैं। किसी ने आना था क्या? नहीं तो। रिफत, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था आज? नहीं बैरन साहिबा, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या कुछ हुआ है? मैं अब यह नौकरी नहीं कर सकता बैरन साहिबा, मुझे माफ कर दीजिएगा। वजह? मुझे तो तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरन साहिबा, मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस कुछ घर के कुछ मसले मसाइल की वजह से। ठीक है, तो क्या कोई हल नहीं निकाल सकते? अफसोस के साथ उसका कोई हल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो मेरे पास आ सकते हो तुम, एक कॉल ही काफी होगी रिफत। बहुत शुक्रिया आपका बहरीन साहब। खुदा हाफिज। ओ मेरी जान, मैंने कहा था ना, जब तक तुम उन्हें बता नहीं देती कि तुम उनकी माँ हो, ऐसे ही रहना पड़ेगा। प्यारी गुड़िया, जल्दी से भागो भागो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। शाबाश, जबरदस्त। मेरी प्यारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। भाई वाह, है ना बेटी? अरे खेलोगी अभी? और चलो मैं अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए चलता हूँ। चलो भाई चलो।
सलाम मास्टर। खुश आमदीद निजात साहब। बहुत शुक्रिया, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है, कब तक काम खत्म हो जाएगा? तकरीबन एक हफ्ता तो लगेगा काम खत्म होने में। एक हफ्ता? क्या ये काम थोड़ा जल्दी खत्म नहीं हो सकता? कोशिश करते हैं कि जल्द खत्म हो जाए। वैसे चाहिए कब तक आपको? कल तक। ये क्या कह रहे हैं निजात साहब? मुझे किसी को सरप्राइज देना है मास्टर, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। पैसों की आप फिक्र मत करें। निजात साहब, पैसों का मामला नहीं है, कल तक काम मुकम्मल नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा है कि कल तक जितना कुछ हो सके कर लें। अपने तमाम मजदूरों से भी कहें कि जल्दी करें। ठीक है। और इसे साफ सुथरा करवा दें, क्योंकि कल मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। हम फ्री हो जाएंगे तो आपको बता दूंगा, फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आप कहें निजात साहब। और हाँ, जैसे टाइल्स आपने कहे थे वो हमें मिल गए हैं, 2 दिन में वो आ जाएंगे। परवीन साहिबा ने जब ऑर्डर दिया था वो उस वक्त नहीं थे। क्या बात है मास्टर, आपका हाफजा तो बहुत तेज है मास्टर। 20 साल पहले का ऑर्डर आपको आज भी याद है? मगर मैं तो 3 साल पहले के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप भूल रहे हैं, वो ऑर्डर आपको परवीन साहिबा ने नहीं दिया होगा। नहीं, वो परवीन साहिबा का ही ऑर्डर था। मास्टर, मुझे पता है कि परवीन साहिबा का 22 साल पहले इंतकाल हो गया था। ऐसी बात नहीं है निजात साहब, मेरी खुद उनसे फोन पर बात हुई है। दरअसल यहाँ पर काफी दुकानें उनके रिश्तेदारों की हैं, उनका ताल्लुक खुशहाल घराने से है। क्या आपको यकीन है मास्टर? पूरा यकीन है निजात साहब, बल्कि मेरी तो उनसे 3-4 मरतबा बात भी हुई है। खैर, काम बहुत ज्यादा है तो मैं सफाई शुरू करवा देता हूँ, इजाजत दे मुझे। चलो लड़कों, जल्दी जल्दी सफाई शुरू कर दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कल तक ये सब साफ करना है। आंटी, मुझे ये येलो वाले फ्लावर्स मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, बस थोड़ा जल्दी करें। ये लो। शुक्रिया। 10 लीरा। इतने काफी हैं? ये तो कम है बेटा। लेकिन मेरे पास तो इतने ही हैं। बेटा, क्या तुम्हें फूल चाहिए? मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। ये तो कम है, इसमें फूल नहीं आ सकते मैडम। ये लीजिए। शुक्रिया। देखो, जो पैसे थे मैंने दे दिए। अब तो हम बात कर सकते हैं ना? आपका बहुत शुक्रिया, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। तुम्हारी अम्मी? माहिरा, 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 बात सुनिए, क्या आपने यहाँ किसी छोटी 6 साल की बच्ची को देखा है? सुनहरे बाल है उसके। माहिरा, मुझे आपकी क्लाइंट से बात करनी है। क्यों खैरियत, शॉप में कोई मसला हो गया क्या? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, वहाँ मरम्मत का काम हो रहा है। अगर आप मुझे उनका नंबर दे दें तो मुझे उनसे कुछ सवालात पूछने हैं। माफी चाहता हूँ निजात साहब, मेरी क्लाइंट ने ये सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दी हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो बात क्यों नहीं कर सकती? ये उनकी मर्जी है। ठीक है, आप कम अज कम मेरे लिए पूछ ही लें उनसे। उन्होंने पहले ही हिदायत दे दी है मुझे, पूछने का फायदा नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो फिर ये बताएं कि क्या आपकी क्लाइंट का नाम परवीन है? हेलो। माफी चाहता हूँ, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोना? निजात, माहिरा कहीं गायब हो गई। क्या मतलब? पार्क में झूला झूल रही थी, अचानक कहीं गायब हो गई। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं क्या करूँ अब निजात? अम्मी। माहिरा, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। निजात, माहिरा मिल गई है। सोना, मेरी जान निकल गई थी। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। अच्छा ठीक है, आ जाओ। कहाँ चली गई थी, तुमने तो डरा दिया था मुझे। अम्मी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको उदास देखा और फिर मैंने सोचा कि ये फूल दे दूं ताकि आप ये फूल देखकर खुश हो जाएं। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन आइंदा इस तरह से अकेले कहीं मत जाना। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया।
मुझे ये बच्ची फूल खरीदते हुए मिली। क्या आपकी बेटी है? जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये कभी ऐसा करती तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जी मैं समझ सकती हूँ। बेटा तुम जाकर खेलो, लेकिन इधर उधर कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है, वादा। प्लीज पुरसुकून होकर बैठ जाइए यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया। क्या कोई और शैतानी मंसूबा सोच रही हो हाले? तुमने बात की है क्या निजात से? खीबत करना पसंद नहीं है मुझे। शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानती थी कुछ नहीं कहोगे, बहुत अच्छे दोस्त जो हो तुम मेरे। वाकई में ऐसा है क्या? लेकिन एक छोटा सा मसला है हाले, निजात का इस बारे में जानना जरूरी है। तो तुम उसे बता दोगे? बुर्जू बता देगी क्या? तुम ही उसे बता दो, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दे, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूँ, निजात को बता दो तुम। सोच लो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद उसे बता दूंगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। जी बिल्कुल। लेकिन आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। हाँ वो अपने बाबा पर गई है, वो बस आने ही वाले होंगे। क्या उनका रंग भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल, वो भी अपनी बेटी माहिरा की तरह है। तो निजात है आपके शौहर का नाम? हाँ। अच्छा तो आपका नाम? आइलिन। बहुत ही प्यारा नाम है आपका, और फैमिली भी काफी अच्छी है आपकी। आइलिन, माहिरा, निजात। बहुत शुक्रिया। आपका कहाँ है? मेरा क्या? हाँ आपका बच्चा कहाँ है? बदकिस्मती से वो यहां नहीं है। दरअसल बहुत फासले हैं हमारे दरमियान। अच्छा, माफी चाहती हूं मैं। माफी की जरूरत नहीं। क्या तुम आ गए निजात? हाँ तकरीबन पहुंच चुका हूँ, तुम अभी तक पार्क में ही हो ना? हाँ, तुम जैसे ही पार्क में अंदर दाखिल होगे हम तुम्हें सामने नजर आ जाएंगे। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। आ गए आपके शोहर? हाँ बस वो रास्ते में ही हैं, पहुंचने वाले होंगे। माहिरा, माहिरा चलो आ जाओ बस। जी आ रही हूँ। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, चलो यहाँ आओ मेरे पास। हाँ देखो तुम्हारे बाबा भी आ गए। बाबा! ये मेरी बेटी, आराम से, मुझे गिराओगी क्या? देखिए बाबा, इसमें अम्मी पे गुस्सा नहीं कीजिएगा, सारी गलती मेरी है। अरे नहीं, इसमें मेरा ही कसूर है, मुझे तुम पर से नजरें नहीं हटानी चाहिए थी। ये हुआ कैसे, बताना चाहोगी तुम मुझे? मुझे अम्मी के लिए फूल खरीदने थे और फूल वाली यहाँ से दूर थी। तुम अपनी अम्मी को क्यों छोड़कर गई थी? क्योंकि अम्मी रो रही थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी को फूल देकर खुश कर दूं, तो बस इसलिए।
तो तुम्हारी अम्मी रो रही थी। जाने दो, अब सब कुछ ठीक है। शुक्र करो कि एक अच्छी औरत को मिल गई और वो उसे यहाँ ले आई। कहाँ है वो औरत? मैं उसका शुक्रिया अदा कर दूं। अभी तो यहीं पर थी। निजात अगर इसे कोई और उठाकर ले जाता, मैं तो ये सोच सोच कर ही परेशान हो रही हूं। ठीक है आलम, तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ हुआ तो नहीं ना। चलो चलें। ठीक है, मैं चीजें ले आती हूँ। इधर देखो तुम, तुम्हें सबक मिल गया ना छोटी मैडम। चलें। अनीसा आंटी, अगर सच कहूं तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा तो जिद्दी है ही है, लेकिन सोना तो उनसे ज्यादा निकली। अगर बाबा को पता चलेगा कि सोना ने वो जॉब नहीं छोड़ी तो क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? अब क्या कहूँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों के दरमियान असल में हुआ क्या था, वरना सोना आने में कभी इतना वक्त ना लेती। बात सुनो मेरी, सोना के सामने इतना चुप क्यों बैठे हुए थे तुम? वरना तो तुम चुप होने का नाम ही नहीं लेते हो। मेरी अभी अभी नौकरी गई है, कुछ तो मुझ पर रहम करो। क्या मैं सोना से भी लड़ना शुरू कर देता? अब समझ आया कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में नहीं। बुरा भला मत कहो सानिया, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा अकलमंदी से काम लेना चाहिए। क्यों तुम लोग पहेलियों में बात कर रहे हो आपस में? इन सारी बातों से मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे ख्याल में बाबा को पुरसुकून करना चाहिए। अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सोना दौड़ती हुई उनके पास आएगी। बाबा में उसकी जान है, वो बहुत प्यार करती है। पहली दफा अच्छी बात की तुमने। खुश आमदीद। शुक्रिया हैरी अंकल। सब ठीक तो है ना? अम्मी आज पार्क में उदास हो गई थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो माहिरा, हमने आखिरी बार एक किताब खरीदी थी, याद है? हैरी उस किताब का बहुत पूछ रहा था। हाँ, बहुत पूछ रहा था। तुम इसे दिखा दो कि तुम पढ़ने में कितनी बेहतर हो गई हो। ठीक है, क्या मैं घर पे करीम को बुला लूँ? क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकती। ठीक है, बुला लो। ठीक है अंकल, मैं ऊपर जा रही हूँ, आप आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। क्या हुआ सोना? माहिरा पार्क में गायब हो गई थी, ये हुआ है। ठीक है, खुद को इल्जाम मत दो तुम। तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। चलो आओ मेरे साथ, चलकर थोड़ा आराम कर लो तुम। ठीक है, आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बैग चाहिए क्या तुम्हें? अम्मी बाबा ने कहा है कि वो लोग अलग नहीं होंगे, और अम्मी आज पार्क में रो भी रही थी, बहुत ही उदास हो गई हैं अम्मी। यानी कि वो दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, वो मुझसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी अम्मी से कहता हूं कि वो मुझे तुम्हारे घर लेकर आए, और फिर इसके बारे में मिलकर सोचते हैं हम। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निजात, मैं ये क्या कर रही हूँ? तुम्हारे बस में जो है वो तुम करने की कोशिश कर रही हो। मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं किसे बेवकूफ बना रही हूँ? आपा ठीक कह रही थी, मैं बाबा के साथ ये सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ क्यों हूँ? तुमने देखा ना निजात, मेरी गफलत को, मैंने माहिरा को खो दिया था। अगर वो औरत माहिरा को नहीं लाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इस बात को जितना भी झुठलाऊं, लेकिन सच यही है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं ये सोचकर, और मैं इस वक्त इस हाल में कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं जा रही हूं, और यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। कहां जा रही हो तुम? कुछ नहीं मालूम, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी, मैं यहां पर नहीं रह सकती। देखो, ये मैं उस शख्स की हैसियत से कह रहा हूं जिसकी जिंदगी में माहिरा के सिवा कोई नहीं है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, जिंदगी वहीं से शुरुआत लेती है।
वक्त के साथ तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारे बाबा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, यकीन करो मेरा। उनके एहसास होने से क्या होगा? कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? बाज़ औकात सख्त अल्फाज अंदर ही अंदर इंसान को मार डालते हैं, जो सारी उम्र गुजर जाने के बाद भी भुलाई नहीं जा सकते। अब अगर बाबा चाहे भी तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने तुमसे क्या कहा है? कुछ तो जरूर है सोना, जो तुम मुझे नहीं बता रही। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरी माँ कैसी होगी। वो इस दुनिया में नहीं है, यह हकीकत मुझे बाद में पता चली। और अब मुझे अपनी माँ और बाबा दोनों के बगैर जीना सीखना होगा। यही हकीकत है, यही उनकी बात का खुलासा है। अल्लाह अल्लाह, बाबा ने आज कैफे जल्दी बंद कर दिया। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। यहाँ क्या हुआ है बाबा? ये क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा बाबा, ये सब क्या है? क्या हुआ? आप ठीक है? सब लोग कहाँ हैं? मैंने सबको भगा दिया। हाँ, कस्टमर्स के साथ कौन ऐसा सुलूक करता है शौकत? हाँ कर दिया। ऐसे बेशरम कस्टमर्स को जो अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स की जरूरत नहीं। अब तक तुम लोग कहां पर थे? हाँ, सोना के पास से आ रहे हो क्या? नहीं बाबा, सोना के पास थोड़ी। मैं घर जा रहा हूं। मैं आज ही जा चुका हूं इस जगह से। अब दिल नहीं चाहता कि यहां पर बैठूं। ठीक है, आप जाएं, हम कैफे की सफाई कर लेंगे। बाबा बेफिक्र हो जाएं। बाबा, मैं सोच रही हूं कि आज अच्छा सा खाना बना लूं, तो आप भी जल्दी आ जाइएगा। जो दिल चाहे करो। पता नहीं क्या हो गया है इसको। तुम ये समेटो जरा, मैं आती हूं। शौकत, ये सब देख रही हो, सब कुछ खराब हो गया। रिफत, अब हम लोग क्या करेंगे? शौकत, 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 सुनो तो। क्या करते फिर रहे हो ये सब? सोना काफी नहीं थी जो हमसे भी दुश्मनी कर ली? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इससे क्या? हम जानते हैं तुमने सोना को घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसा क्या किया है उसने शौकत? तुम जहमत मत करो, मैं परवीन को खुद ही बता दूंगा कि मैंने क्या किया है। मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम उसे हर पल की खबर नहीं देती? बस अब बहुत हो गया है, मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, ना तुम्हें ना परवीन को। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो शौकत? जो समझना है समझो। आफरीन है शौकत, अगर तुम्हारी यही जहनियत रही तो वो दिन दूर नहीं जब तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे और कोई पास नहीं होगा। याद रखना मेरी ये बात। जाओ यहाँ से।